नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएसके और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। सैया भैया ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था इसी बिग बॉस 12 में, तब जिन लोगों ने सैया भैया बोला था श्रीचंद और दीपिका के बारे में, आज के इस एपिसोड में उन सभी को अपना कर्मा मिल गया। उस समय जिन लोगों ने कहा था अरे क्या सैया भैया जैसे नॉर्मल वर्ड यार, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, आज के एपिसोड में पता चल गया जब खुद पर आती है तो फिर कैसा फील होता है। जब खुद के रिलेशन के ऊपर जब बात आती है तो बर्दाश्त नहीं होता है। उस समय कई लोगों ने कहा भी था कि दीपिका ने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया, सृष्टि ने भी बाहर आकर यू नो बहुत कुछ अनाप शनाप बकवास किया है। आज के इस एपिसोड में रोमिल के ऊपर एक बड़ा घटिया वाला एलिगेशन लगा है। ये वही रोमिल है जिन्होंने रोमिल चौधरी की चटपटी बातें में सैया भैया वाला जिक्र किया था। आज रोमिल को उसका कर्मा मिल गया ये अलग बात है, लेकिन रोमिल के ऊपर जो एलिगेशन लगा है और जो सुरभि ने जो बोला सुरभि ने जो बोला है कि मुझे घूरता रहता है टकटकी लगा के, ये एलिगेशन मेरी नजर में तो यार, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने नजरिए से कहूँ ना तो नहायत ही घटिया पथेटिक और थर्ड क्लास है रोमिल को। डे वन से मैंने रोमिल की जर्नी को बड़े ध्यान से देखा है, मैंने डे वन से जब वो निर्मल के साथ थे, निर्मल जी जब चले गए, सुरभि जब आई, रोमिल का एक चीज है जो कि मैंने डे वन से ऑब्जर्व की है कि वो एक टकटकी लगाकर देखता है सामने, सामने वाले को लगता है कि वो मुझे घूर रहा है। ये मेरा नेचर भी है क्योंकि मैं भी जब ऐसे देखता हूँ ना तो एक ख्यालों में खो जाता हूँ और सामने वाले को लगता है कि मैं घूर रहा हूँ उसको। तो हम घूरते नहीं है, हम अपने ख्यालों की दुनिया में कुछ उधेड़बुन चलती रहती है और लोग अक्सर गलतफहमी का शिकार होते हैं। मुझे खुद को कई बार लोग बोल चुके हैं भाई कहाँ घूर रहा है, लोगों की नजर में ये घूरना हो सकता है, ताड़ना हो सकता है, टकटकी लगाकर देखना हो सकता है, बॉडी को एक्सरे कर रहा है, बॉडी का स्कैन कर रहा है क्या, ऐसे कमेंट आपको सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन जो इंसान टकटकी लगाकर देख रहा है आपको, वो आपको नहीं देख रहा, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। यही बात रोमिल ने इस एपिसोड में बोली भी है। रोमिल को मैंने बहुत बोला है नल्ला फर्जी माइंड ऐसा ये वो, लेकिन आज उसने अपने बेटे की कसम खाई है और इस शो में रोमिल ने डे वन से ना अपने फैमिली का जिक्र किया है ना बीवी का जिक्र किया है, कभी रोया नहीं है, और जब बीच में रोया भी था तब वो ड्रामा था, उसका महान बनने की एक्टिंग थी जब सोमी के लिए यू नो वो कॉल वीडियो कॉल वगैरह करा था, लेकिन आज बंदे की आंखों में सच्चाई के आंसू थे। उसने अपने बेटे की कसम खाई है, उस बेटे की जिसका नाम इस शो में वो हजारों बार ले चुका है, ओझे ओझे ओझे, और ओझे की कसम खाई उसने। वो बेटा उसका बहुत क्यूट है 8 महीने का, और कोई भी बाप अपने बेटे इतने छोटे बेटे की कसम खा के झूठ बोलेगा ये तो मैं मान नहीं सकता। सुरभि राणा और रोहित जैसे लोग हैं जो बार बार में माँ की झूठी कसम खा जाते हैं। तो आज जो हुआ है, जो साइको सुरभि ने जो घटिया पंक्ति की है, मैं तो उसके बारे में पहले ही कह चुका हूं कि गटर माउथ है, अव्वल नंबर की गटर खोर इंसान है, क्या बोलूं, शब्द नहीं मिल रहे हैं। कुछ बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे कि बताओ एक लड़की को ऐसे बोल दे, लड़की को पूरा हके देखो देश की जनता ये मुझे घूर रहा है। वाह सही बात है, सही बात है, कुछ पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, कुछ आपको लग रहा है आप हार गए हो, आप सुल्तानी अखाड़े में आप हार चुके हो, जो पहला जो कटघरे में जो केस था उसमें आप हार गए, तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो सुरभि की निकलती है। तो ले देकर उसने अपना असली क्लास दिखा दिया कि मैं ये हूं और इस चीज में आप मुझे हरा नहीं सकते, इस चीज में आपको कोई नहीं हरा सकता। तो देखा जाए तो रोमिल के लिए काफी बुरा फील हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रोमिल को उसका कर्मा भी मिला है। तुम्ही ने भैया सैया वाला कमेंट किया था और तुम्ही ने इस भस्मासुर को सामने पैदा कर दिया है, अब वो भस्मासुर तुम पर अटैक कर रहा है, तुम्हारा बनाया हथियार तुम्ही के ऊपर वार कर रहा है। वो कहते हैं ना आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, तुमने उसको पाला पोसा दूध पिलाया, आके डस रहा है केवी द कोबरा से जहर लेकर। तो आज रोमिल काफी बैकफुट पर मुझे दिखाई दिया, पहली बार इतने दिनों में इमोशनल दिखाई दिया, रियल वाला इमोशनल, फेक वाले इमोशंस तो उसने बहुत सारे दिखाए हैं। तो भैया जी ये था एपिसोड बिग बॉस की पंचायत का। बिग बॉस ने आज पंचायत का सेट लगाया था, सुबह थोड़ी बहुत हंसी मजाक वगैरह चल रही थी, सौम्य और रोमिल की थोड़ी जो अनबन थी वो काफी क्लियर हो गई। यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है, जिस तरह सौम्य को रोमिल ने हग किया था, आपने ध्यान दिया होगा, वो हग सवाल खड़े कर सकता है अगर किसी ने उसे ध्यान से देखा हो तो। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं तो बता रहा हूँ, इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली वन, लेकिन उस हग करने के तरीके को आप एक बार देख लीजिएगा। तो आज के एपिसोड में लगी थी बिग बॉस की पंचायत और बिग बॉस ने पंचायत में अदालत का सेटअप दिया था। वाओ, पंचायत में अदालत का कटघरा, ये गजब कॉम्बिनेशन है। अदालत तो दामिनी में हुई थी, जा चड्डा की चड्डी उतार दी थी गोविंद ने। यहाँ बिग बॉस ने गोविंद यानी कि वकील बनाए थे दीपिका और दीपक ठाकुर, ये ऐसी वैसी। दीपक ठाकुर वकील के किरदार में बिल्कुल ही एकदम लपड़ झंडिस था, दीपिका ने वकील के किरदार को पूरी शिद्दत से निभाया और उनकी टीम में रोमिल भी थे। मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था ना बिग बॉस की टीम यार शफल करो, टीम में थोड़ा मजा है, तो आज
रोमिल को श्रीशन की टीम में कर दिया गया, जहां पर कि रोमिल ने श्रीशन को काफी संभाल भी लिया। श्रीशन काफी गुस्से के मूड में थे, माए पॉट डालेगा तोट डालेगा, मैं रोहित को स्विमिंग पूल में फेंक डालेगा, अगर आ किया तो आ तो आ। श्री भैया का गुस्सा इस एपिसोड में बड़े चरम सीमा पर जा रहा था, लेकिन रोमिल ने दीपिका ने काफी कंट्रोल कर लिया। तो दीपिका बनी थी वकील और कटघरे में खड़ी थी सुरभि, सुरभि यानी कि साइको सुरभि, सुरभि यानी कि सुट्टाबाज स्मोकर चरसी सुरभि। सुरभि का एक वीडियो डाला वैसे मैंने मेरे डीएसके टॉक्स के इंस्टा पेज पर, वहां वो खुद कह रही है यार आई नीड टू स्मोक अदरवाइज आई डाई, मतलब मुझे सुट्टा चाहिए नहीं तो मैं मर जाऊंगी यार। इसमें ना कई लोगों ने कहा कि भाई डीएसके आप तो पीछे पड़ गए हाथों के, भाई डीएसके वो वॉशरूम में सुट्टा नहीं किया था वो टॉपिक था, आप तो हाथों कर पीछे पड़ गए। अरे भाई याद करो जब श्रीशंद और अनूप जलोटा ने कहा था कि उसने स्मोक किया था, रोमिल चौधरी वाज द फर्स्ट मैन जिसने बोला था कि यार हम कैसे मान लें कि सिगरेट पी या नहीं पी, किसी लड़की के ऊपर सिगरेट की बात ऐसे नहीं उठानी चाहिए। और वीकेंड के बारे में यही सुरभि थी जिसने सलमान खान के सामने कहा था सलमान भैया हमारी कंट्री थोड़ी कंजर्वेटिव है, यहाँ लड़कियां सिगरेट पीती हैं अच्छा नहीं लगता है, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि जिससे मेरे पेरेंट्स हर्ट हो, मैं तब भी वही बात बोलता था लेकिन बेवकूफों को समझ ही नहीं आती थी। भाई अगर मम्मा वॉशरूम में स्मोक करने से बुरा मानेगी, ओपन करने से बुरा नहीं मानेगी, ये कौन सा लॉजिक था? ये लॉजिक आज तक कोई नहीं समझ पाया। और वो क्लिप में सुरभि खुद कह रही है यार आई नीड टू स्मोक और एल्स आई डाई, अब ओपनली ये बात आ गई तब मम्मा को बुरा नहीं लग रहा? अरे यार ऐसे बेवकूफों को तमाम सबूत गवाह सब लाके रख दिए मैंने, सबूत लाके रख दिए लेकिन फिर भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं नहीं भैया वो वॉशरूम में स्मोक नहीं किया था। अरे वॉशरूम में स्मोक करना और ओपन में स्मोक करना, बात तो स्मोक करने की है ना, मतलब वॉशरूम में स्मोक करोगे तो मम्मी बुरा मान जाएगी, मम्मा का शेर बच्चा, लेकिन ओपन में स्मोक करेगा शेर बच्चा तो मम्मा बड़ा प्राउड फील करेगा, हाय हाय मेरी छाती चौड़ी ढोके 56 इंची हो गई, मेरी पुत्र धीरे देखो स्मोकिंग कर रही है, अरे बेटा जरा छल्ला निकाल मुझसे गजब है यार। खैर आते हैं इसी एपिसोड में, दीपिका ने काफी अच्छे वैले पॉइंट रखे कि सुरभि फेक है, इसका गुस्सा इसका एग्रेशन बहुत ज्यादा फेक होता है, ये अपने हिसाब से चीजों को देखती है अपने नजरिए से इसे पता रहता है, और ये जो यू नो बात हुई थी कि मैं 9 वीक तक ऐसी रहूंगी इसके बाद ऐसी हो जाऊंगी, और यहां पर दीपिका का भरपूर साथ दिया था रोमिल ने, और रोमिल ने सुरभि की अच्छे से पोल खोल दी। सुरभि को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई थी कि वो कटघरे में हार कैसे गई, इसके गुर्दे छिल गए थे और उसके छिले हुए गुर्दों के ऊपर केवी और रोहित वगैरह ने यू नो काला नमक मिर्ची सब डाल के उसको और भड़का दिया, और इसी भड़क भड़क में उसने रोमिल के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि ये मुझे ताड़ता है, ये मुझे घूरता है, ये थोड़ा सा टू मच कर दिया था, आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया एक तरह से रोमिल का, ये तो खैर कर्मा की बात है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन सुरभि इससे भी नीचे जा सकती है और आगे आने वाले एपिसोड्स में शायद हमें ये देखने को मिल जाए। खैर यहाँ पर दूसरा मुकदमा चला जहां पर कि रोमिल को दोगला पंथी का दोषी पाया गया, पंच जो कि जसलीन और सोमी है, जसलीन और सोमी ही मिले बिग बॉस को पंच बनाने के लिए, बट एनीवे अच्छे, लेकिन यहां इनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, दोनों ने काफी अच्छे यू नो डिसीजंस लिए, पहला राउंड दीपिका को जिताया, सेकंड राउंड में रोमिल के खिलाफ उनके पास अच्छे खासे सबूत थे तो रोमिल गिल्टी पाए गए, दोगले पाए गए और एक एक से मामला बराबर हो गया। तीसरा जो राउंड था काफी इंटरेस्टिंग राउंड था, जहां पर कि रोहित की बदतमीजी इस एपिसोड में भी आपने देखा, क्या बदतमीज लौंडा है यार ये, इसमें मतलब गुप्ता परिवार ने और केवी ने अच्छा खासा जहर भरा, इसकी बॉडी लैंग्वेज इसकी भाषा शैली इसका मतलब क्या देख रहे हैं, मतलब इसकी ऐसा अंदाज देखकर तो पिताजी मिस्टर सुशांति को गर्व फील हो रहा होगा, हाय मेरा बेटा क्या नाम रोशन कर रहा है। जैसे मैं हमेशा सोमी को बोलता हूँ कि सोमी में खुद का दिमाग नहीं है, वो बस यूं बस चल रही है किसी और के भरोसे, ये सुशांति बाबू भी कुछ कम नहीं है, सुशांति बाबू ये रोहित सुशांति केवी और सुरभि इनके इशारे पर चलने लगा है। हाँ तो हम बात कर रहे थे रोहित की बदतमीजियों की, रोहित की बदतमीजी पर दीपिका ने जो एलिगेशंस लगाए, दीपक ठाकुर के पास उसके कोई जवाब नहीं थे। इसी दौरान आपने देखा होगा कि दीपक ठाकुर ने दीपिका को टच किया, दीपिका ने वार्निंग दी डोंट टच मी डोंट टच मी, दीपक ठाकुर क्या बोला, हाँ तो आप शो से बाहर निकल जाओ, बाहर दूर जाके बात करो, मतलब आपने सुना दीपिका ने वार्निंग दी कि डोंट टच मी, तो दीपक का रिएक्शन था हाँ तो ठीक है आप शो के बाहर चले जाओ, मतलब इतनी दूर जाके हमसे बात करो। सेकंड टाइम दीपक ने फिर से छुआ तो दीपिका का गुस्सा भड़क उठा, जाहिर तौर पर भड़केगा ही भड़केगा, आपको एक वार्निंग दी जा चुकी है, दोबारा से आपने टच किया तो दीपिका का रिएक्शन स्वाभाविक था नेचुरल था, तो दीपक क्या बोला, देखो यह है इनका नया रूप, समझ गया ना आप, ऐसे ही इन्होंने मेगा को भड़काया था, सलमान खान ने जो इनकी क्लास ली, लगता है ये सबक सीखे नहीं है, इन्हें सबक सीखने की सख्त आवश्यकता है।
वो तो गनीमत है कि बात ज्यादा हद से बिगड़ती और फिर से दीपक के ऊपर एक चप्पल पड़ती, इससे पहले ही घर वाले आ गए। शी बीच में आए, केवी बीच में आए। अच्छा, यहाँ सुरभि जबरदस्ती में आधी रोटी पर दाल लेकर अपनी साइकोपंथी दिखा रही थी, जब शिक्षण के बीच में जबरदस्ती कुछ यू नो अनशन बातें बक रही थी, तो रोहित बदतमीजी के दोषी पाए गए। ये टास्क खत्म हो गई। टास्क खत्म होने के बाद रोमिल थोड़ा इमोशनल था, उसको घर वालों ने आके थोड़ा सा संभाला और सोमी ने सुरभि को बोला कि सुरभि जाके सॉरी बोल दे। सुरभि आई, रोमिल से थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए सॉरी वगैरह बोला। केवी ने पप्पा चच्ची नाग कोबरा केवी ने भेजा सुरभि को, तो फॉर्मेलिटी के लिए आई। सुरभि के वर्ड थे, आपने ध्यान से सुने हो तो, रोमिल को क्या बोल रही थी, तू बार बार मुझे घूरता, मैं कितनी बार वार्निंग दू तुझे, एक बार दो बार अब गुस्सा आता है तो मैं भड़क गई तो मैंने बोल दिया। यही सुरभि इसी एपिसोड में कुछ मिनट पहले दीपिका कक्कर ने जो दीपक पर चिल्लाया था, तो ये सुरभि कितना रिएक्ट कर रही थी कि देखो देश की जनता, ये है दीपिका कक्कर जो कि सुरभि की यानी मेरी फेक एक्टिंग कर रही है। और क्या क्या नहीं सुनाया था, मतलब तुमको कोई घूरे तुम उसको वार्निंग दो, उसके बाद भी वो घूर रहा है तुमको तुम्हारे नजरिए से तो वो खराब है, तो मैं घटिया पंक्ति पर उतराऊंगी। किसी और फीमेल को कोई बंदा टच करता है, उसने वार्निंग दी, दोबारा वो लड़का के टच करता है, उस लड़की ने चिल्ला दिया, तो तुम कह रहे हो कि ओवर रिएक्ट किया है। कर्मा, जैसे कि मैंने कहा, कर्मा इस सीजन में बड़े जबरदस्त स्पीड में काम कर रहा है। सैया भैया वाला जो इंसिडेंट हुआ था, रोमिल ने इनिशिएट किया था, आज रोमिल को अपना कर्मा मिल गया। सुरभि वाला जो कर्मा है, जो दीपिका को फेक बोल रही थी कि दीपिका ने ओवर रिएक्ट किया है दीपक को चिल्लाकर, सुरभि ने भी तो इस एपिसोड में वही किया है। लेकिन देखने वाले अपने अपने नजरिए से देखेंगे, देखने वाले ये नहीं कहेंगे, देखने वाले कई लोग ये कहेंगे कि हाँ दीपक सही था, दीपिका ने ओवर रिएक्ट किया, हाँ रोमिल तो घटिया था, सुरभि ने सही किया। तो अपने अपने दृष्टिकोण से सब देखते हैं। मेरा काम है चीजों को एकदम बारीकी से देखना और दोनों पक्ष आपके सामने रखना। वहां पर यही सुरभि दीपक को सपोर्ट कर रही थी और यहां पर खुद कह रही थी कि यार तू कितनी बार मुझे घूरेगा, एक लिमिट होती है, वार्निंग दे दी उसके बाद भी तू करे जा रहा है, तो वहां दीपक को भी वार्निंग दे दी गई थी उसके बाद भी उसने वो किया था। खैर, इन्हीं तरह की बातचीत के बीच में ये एपिसोड खत्म हो गया। अच्छा, एपिसोड खत्म होते होते पप्पा यानी केवी द कोबरा स्ट्रेटेजी बना रहा था कि कल हम मेघा को और शीशन को टारगेट करेंगे। तो भैया अब इस बात में कोई शक मत रखिएगा कि ये टास्क केवी की टीम हारने वाली है, क्योंकि जब केवी जैसा आदमी मास्टरमाइंड बनके कोई टास्क प्लान करने की स्ट्रेटेजी बना रहा है, तो आप समझ जाइए कि मामला उल्टा होने वाला है और कल टीम दीपिका जीत जाएगी अच्छे तरीके से। दीपिका रोमिल श्रीशांत ये कुछ नहीं करने वाले हैं। एक्चुअली में यहाँ पर केवी द कोबरा टास्क प्लान कर रहा है दीपक के साथ, रोहित के साथ मिलकर। तो आप समझ जाइए कि एक और ब्लंडर इज कमिंग फ्रॉम द कोबरा फैमिली। कोबरा फैमिली, अरे वाह यार, बैठे बैठे मैंने नए क्लब का नाम रख दिया। तो कल से सुरभि, केवी, दीपक और रोहित, इन चारों को मैं कोबरा फैमिली का नाम लेकर ही पुकारा करूंगा, ठीक है। आप बताइएगा आपको ये ओवरऑल एपिसोड कैसा लगा, क्या आपको सुरभि द साइको की हरकतें देखकर आपको गुस्सा नहीं है, क्या आपको लग रहा है कि रोमिल घूरता था वाकई में। हालांकि रोमिल ने सफाई दी, जस्टिफिकेशन दिया, उसने अपने 8 महीने के बच्चे की कसम खाई है और जिस तरह से यू नो वो आज रोया है, मुझे तो कहीं ना कहीं वो जेन्युइन लगा है, उसने इस इंटेंशन से नहीं देखा होगा। मैं खुद ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये बात अच्छे से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं जब सामने देखता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं घूर रहा हूं, जबकि मेरे ख्याल में कुछ चलता रहता है, मुझे वहां जाना है, ये करना है, यार फलाने ने इतने पैसे मुझे दे रखे, उसके पैसे मुझे लौटाने हैं, क्या करूं, दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है मेरे। लेकिन सामने वाला इंसान जो मुझे देख रहा होता है, उस समय उसे लगता है कि भाई मैं इसको टटोल रहा हूं ऊपर से नीचे तक, इसको यू नो अच्छे से स्कैन कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो ये गलत फहमियां हो जाती है। एंड आप ये भी बताइएगा, एज अ वकील आपको दीपिका कक्कर का परफॉर्मेंस कैसा लगा, जिस तरह से उन्होंने दीपक को झाड़ा, आपको सही लगा या गलत लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में हर जगह चालू रखिए भलाई की सप्लाई मेरे भाई। और आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कीजिएगा अपने जबरदस्त पंच वाले कमेंट्स की बौछार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।